नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है अतुल सिंह। हाईवे मैथ्स क्लासेस में आपका बहुत ही स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग परसेंटेज से पार्ट सिक्स देखेंगे। फ्रेंड्स, ये आज आप लोगों का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट होगा, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो जो है इससे पहले मैं आप लोगों को 5 पार्ट्स दे चुका हूँ, जिसमें मैंने कुछ थ्योरिकल ही केवल उसके क्वेश्चनों को देखा है, केवल उसमें थ्योरी ही कंप्लीट की गई है। ठीक है, तो इसमें जो है ये प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो जिन लोगों ने मेरा अभी वो थ्योरिकल चैनल नहीं देखा है, तो कृपया करके पहले उस लेक्चर को देखिए, और तो फिर इसके बाद फिर इस लेक्चर को देखिए, तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, 855 उम्मीदवार ने एक नौकरी के लिए अर्जी दी, इनमें से 80% को नहीं चुना गया। इस नौकरी के लिए कितने उम्मीदवार को चुना गया? ठीक है, तो इसमें जो है कितने लोग थे? 855 लोग थे। ठीक है, तो इसमें कितने लोगों को नहीं चुना गया? 80% को नहीं चुना गया। वो पूछ रहा है कि कितने लोगों को चुना गया। इधर आप कह रहे हो 80% को नहीं चुना गया, तो यानी कि हम यहाँ से ये कह दें कि 20% को चुना गया। कह सकते हो नहीं कह सकते हो? बताओ। जो है इनमें 80% को नहीं चुना गया, मतलब है कि 20% चुना गया। ठीक है, तो भाई 20% इसका हम निकाल लेते हैं। 20 एकम 20, 20 पंचे, तो यहाँ से 5 एकम 5, फिर 3 हो गया, 5 सत्ते 35, फिर 5 171। इतने लोगों को जो है सेलेक्ट किया गया। इसमें ऐसा कहीं ऑप्शन है? नहीं है। तो आप इसमें कौन सा लगाइए? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे ये गलती मत कर लेना। देखो 855 जो है, 80% जो है इसका निकाल ले रहे हैं। ये कितनी? 4 और ये 5। अब इसका कितना? 171। इसकी मल्टीप्लाई करो, 4 एकम 7, 7 चौक 28 का 8 हाथ से लगाए दो, 4 एकम 4, 4 684। देखिए आपका पहला ऑप्शन है नहीं, तो ये वाला जो है गलत है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। और उसे 80% निकाल दिया, लोग सोचते हैं कि यहीं पे जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करना बिल्कुल ही गलत होगा, तो आपको क्वेश्चन के भाव को देखना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो, यदि संतरे का दाम 20% घटा दिया जाए, तो एक आदमी 40 रुपये में 20 संतरे अधिक खरीद सकता है। एक संतरे का घटा हुआ मूल्य। देखिए गाइस, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जो थ्योरिकल लेक्चर किए हैं, उनमें मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से कवर किया है। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन जो है मैंने इसी टाइप में जो है अलग अलग वाले जो है क्लियर करें। हाँ, ये इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, तो पहले आप मेरे चैनल पे जाएं, और आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको चैप्टर वाइज बहुत ही लेक्चर अच्छे अच्छे जो है आप लोगों को तैयारी के हिसाब से मिल जाएगा। आपको बेसिक तरीका मिलेगा एकदम से, और शॉर्ट ट्रिक जो होगी वो हम फिर डिस्कस कर लेंगे। आप इसको बेसिक से, अब जिस चीज़ का बेस अच्छा होगा तो आप फिर उस पर कुछ भी कर सकते हैं। नहीं तो कितने भी ऊँची इमारत जो है आप खड़ी कर सकते हैं, जिसका बेस अच्छा नहीं है तो उसका आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने बिल्कुल बेस से ही आपके क्वेश्चनों को लिया है। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पर जाइए, और इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आपके पास एक प्लेलिस्ट आएगी, उसमें सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से देखिए। ठीक, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 20% जो है, कहा गया कि 20% कम हो गया, 20% कम हो जाने के कारण एक आदमी ने 40 रुपये में 20 संतरे अधिक खरीद लिया। जाहिर सी बात है, अगर किसी का रेट जो है कम हो जाएगा तो वो चीज़ें अधिक खरीद लेगा उतने ही रुपए में। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमें कितना परसेंट बनाना होता है? तो 100%, तो कितने से गुणा कर दें? 5 से इधर की, तो 5 से भी इधर से भी करनी पड़ेगी, 20 पंचे 100। देखिए यहाँ पे आपको 100% ही बनाना, चाहे आप गुणा करो, भाग करो, जो भी करना है आपको करो, यहाँ पे 100%, और जो इधर करना वही इधर करना है। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है। तो 100 ये आपकी आती है न्यू वैल्यू। क्या न्यू वैल्यू? नया मान आता है। क्या आता है? नया मान, यानी कि जो अभी का है पूछा गया। ठीक है, यानी कि एक संतरे का घटा हुआ, अगर पहले का पूछ लेता तो अलग थी बात। तो पहले की देखने के लिए आप मेरे लेक्चर पे जाइए, थ्योरिकल वाले। ठीक है, ये यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, एक संतरे का घटा हुआ दाम यानी कि ताज़ा मूल्य पूछ रहा है। अब ये जो आती है नए वैल्यू, यानी कि ताज़ा आया, यानी कि अब कितने संतरे खरीद रहे हो? 100। भैया 100 संतरे खरीद रहे हो कितने रुपये में? 40 रुपये में। उसने पूछा है एक संतरे का घटा हुआ मूल्य क्या है। अब भैया ये 100 संतरे 40 के हैं, तो भैया एक संतरा कितने का? 40/100 रुपये का। ये रुपये हैं भैया, इसको पैसे में बनाने के लिए क्या 100 से गुणा करनी पड़ेगी, ये 100 से 100 कट जाएगा। एक संतरा कितने का? 40 पैसे का। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। ठीक है, हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या आपको कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए
किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि की गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य में 8% की कमी की गई। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपया हो तो आरंभिक मूल्य क्या था? अब देखो बहुत से बच्चे जो है घबरा जाते हैं, कुछ तो दिए ही नहीं गया, और ऐसे ऑप्शन में तो फिर और जो है हार्ट अटैक जैसी बीमारी जो आती है। यहाँ पे देखो 8% और ये 8% में ही बड़ा वो लग रहा होगा, कुछ तो दिया ही नहीं गया, करें क्या? तो आपको डरना नहीं है, आपको जो है करना है वो कर, है नहीं, मतलब आपको जो है जिस हिसाब से चलना है चलो, बाद में देखा जाएगा। ठीक है, देखते हैं भाई। आरंभिक मूल्य जो है हमें नहीं पता है, मान लेते हैं भाई कितना है? ये x है, ठीक है, ये कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है, x है। अब वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि कर दो भाई, यानी कि 100 + r अपॉन में कितना, 100। हम जो कहते हैं भाई जो है, अगर आपको वृद्धि करनी है तो 100 में जोड़ दो, अगर 5% की वृद्धि होती तो 105 हो जाता, 10 की होती तो 110/100, है नहीं। अब फिर बाद में इसी बढ़े हुए मूल्य में 8% की कमी हो गई, तो भाई 100 में से घटा दो, 100 - r / 100, अब कमी हो गई, फिर अंतिम में इसका मूल्य कितना आ गया, 1 रुपया आ गया। ये आपको दिया गया है, ठीक है, कुछ ऐसी अपने पास से मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये आपको दिया गया है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, ये हमारा x का मान है, तो यहाँ से देखो इन दोनों का ये a+b a - b, तो ये क्या हो जाएगा, a² यानी कि ये देखो -r² अपान में देखो 4 1 2 3 4 बराबर क्या, तो x इक्वल टू कितना, ये जो है 10,000 ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, बटे में 10,000 - r². देखिए कहीं ऐसा ऑप्शन है आपके पास क्या, देखिए ये रुपए में आएगा, देखिए है ऑप्शन, ये आपका कौन सा, फोर्थ वाला ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। बहुत ही सिंपल ही होते हैं, और देखिए आपको एसएससी सीजन में पूछा गया है, ठीक है, सेकंड मीटिंग में, ठीक है, तो ये देखना है, क्वेश्चन जो है ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, 1-2 क्वेश्चन 5 से 10% जो है ये क्वेश्चन आते हैं, अच्छे अच्छे जो है सॉल्व करने लायक होते हैं, बाद बाकी 5 से 10% क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप देखते ही सॉल्व, मतलब देखते ही मतलब आंसर लगा देंगे, ठीक है, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। रिकी अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, ठीक है, और शेष बचा लेता है, यानी कि उसकी आय हम मान लेते हैं कि 100 रुपये होगी। अच्छा, उसने जो है खर्च कर दिया कितना, 75%, तो फिर कितना बचा, 25 बचा ना, यानी कि 25 x/100, ये आपके पास बच गया, ये आपका या कह सकते हो 1x/4, वही कट जाएगा ना, 25 एकम 25, 25 चौक 60, यानी 1x/4 ये आपने सेविंग किया है। अच्छा, वो कह रहा है उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए, आय कितनी है 1x, अब इसकी आय कितनी हो जाए, 120 x/ कितना, 100, इतने की वृद्धि हो जाए, और पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर दे। खर्च में कितने, पहले 25% खर्च करता था, यानी कि टोटल 100 आय थी, उसमें 75% खर्च करता था, अब वो कह रहा है 10 खर्च में 10% की वृद्धि, इसमें 10% की वृद्धि कर दो, 110/100, तो यहाँ से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो 25 × 75, 25 × 100, यानी कि 11 × 33 x/ कितना, 40। अब उसका जो है खर्च कितना है, इतना है ये खर्च है, अब तदनुसार उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अच्छा, अब देखो इतना खर्च तो इसने इतना कर लिया, तो बचा कितना, वो कैसे निकालेंगे भाई, इससे निकालेंगे, है ना, ये टोटल हमारी आय थी, इतना खर्च कर लिया, अब देखो 120 x/ कितना, 100 - 33 x/ कितना, 40। अब इनका जो है एलसीएम कितना, इनका जो है एलसीएम 200 हो जाएगा, तो इनका एलसीएम जो है 200 ले लीजिए आप, तो ये कितनी बार, 2 बार, यानी कि 240 x - ये कितनी बार, 5 बार, तो 5 × 15 5 × 15 और 2 कितना, 5 × 15 5 × 15 और ये कितना, 16 165, ठीक है x। अब देखो इसमें से घटा लीजिए क्या बचेगा, अब 10 में से 5 गया, 5 बचेगा, है नहीं, अब देखो यहाँ से जाएगा नहीं, तो यहाँ 13 हो गया, 13 में से 6 का कितना, 7 x/ में कितना, 200, ये आपके पास अब जो है आपकी इतनी सेविंग आ गई है भाई। वो कह रहा कि सेविंग में कितने की बचत हुई, यानी कि बचत में कितने की वृद्धि हुई है, बचत में कितने, पहली बचत कितनी थी, इतने की, अब इतनी कर रहा है, देख लें कितने की वृद्धि हुई है, यानी कि 75 x/ कितना, 200 - x/4, अब फिर जो है एलसीएम आपका 200 ही रहेगा, ठीक है, तो ये 200 कितना, 75 x - ये कितनी बार, 5 50 x, ठीक है, चार कितनी बार जाएगा, 4 × 5 = 20 50 x, 75 में से 50 गया, कितना बच गया, 25 x/ कितना, 200, इतने की बचत हुई, कितने की, इतने की आपकी जो है बचत हुई है, तो यहाँ से इतने की बचत हुई, तो वृद्धि, ये इतने की वृद्धि हुई, अच्छा परसेंटेज में पूछा गया है, तो गुणे में 100, और बटे में कौन सी, पहले वाली बचत, कौन सी भैया, पहले वाली बचत, पहले की यानी कि पहला प्रारंभिक मान x/4, ठीक है,
यक्स बटे चार, अब यहाँ से देखो ये यक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये चार ऊपर चले जाएंगे, यानी कि 25 अट्ठे कितना 200, और चार एकम चार, चार दूनी आठ, अभी देखो कितना 50, कितनी आ गई आपके पास 50% की आपकी बचत आ गई। बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 50% की, कितने की 50% की, ठीक है, ये ऑप्शन आपका सी। क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, अगर ना समझ में आए तो फिर से एक बार जो है रिव्यू करके देख लीजिएगा तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बेस्ड था, ये अच्छा क्वेश्चन है, फिलहाल जो है इसमें जो है आपको इसी प्रकार से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, अच्छा 8% ने नहीं डाले हैं तो आप क्या कहोगे, 92% लोगों ने डाले हैं, 90%, 92% लोगों ने डाले हैं, अगर 8% लोगों ने नहीं डाले हैं तो 92% लोगों ने डाले हैं, ठीक है। इस चुनाव में केवल दो ही प्रत्याशी थे, अब देखिए दो ही प्रत्याशी थे एक चुनाव, वो कह रहा है जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 48% प्राप्त कर लेते हैं। अब देखो 92 में से 48 एक को मिल गया, तो इसको कितना मिला, इसको जो है 40% मिला। भाई कैसे जान पाएंगे, भाई 92 में से 48 घटा लीजिए तो 12 में से 8 गया 4, 4 8 में से 4 गया क्या 4, कितना बचा, यानी कि जो है जीतने वाले को 48% मिले और हारने वाले को 44, यानी कि जीतने वाले को 48, हारने वाले को 44। अच्छा अब 1100 मतों से चुनाव चुनाव में दूसरे प्रत्याशी से जीत गया, भाई यहाँ देखो 1100 से जीता है, कितने से, अच्छा इधर परसेंट में कितने से जीता बताओ भाई, परसेंट में कितने से जीता, 4% से, परसेंट में 4% से जीता और बराबर कितना 1100 वोटों से जीता है। और तो यहाँ पे हमें कितना 100% करना है, तो कितने से गुणा कर दें, तो भाई 100% करना है, करने गुणा कर दो भाई कितने से, 25 से कर दो, 25 से 100, यानी कि 100% हमें चाहिए बोले, यानी कि कुल मत कितने पड़े, तो यहाँ भी 25 से 2 0 ऐसे, 25 से कम 25, 25 से कम 25 2 27, 2,75,000 जो है 27,500 आपके वोट जो है पड़ा है, कितना 27,500, डी ऑप्शन आपका। बहुत ही इस वाले जो है ऐसे क्वेश्चन को आप मेरे लेक्चर पर जरूर देखिएगा, अगर आपने मेरी थ्योरिकल नहीं देखा है, देखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, है ना। अगर आपको ना क्लियर हो रहा है तो मेरे थ्योरिकल लेक्चर को देखिए, मैंने सारे ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही कायदे से एक्सप्लेन किया है, जो कि मैंने 5 लेक्चर में कवर किया है, ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे से, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, एक गाँव में 30% लोग शिक्षित हैं, अच्छा 30% लोग शिक्षित हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात अशिक्षित कितने होंगे, यदि गांव की कुल जनसंख्या कितनी है 6,600, यानी कि 6,600 हो, तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी, भाई 30% लोग शिक्षित हैं तो अशिक्षित कितने हैं 70% है, जाहिर सी बात है ये बहुत ही सरल है, 0 से 0 कट गया, यहाँ 0 0 कट गया, ये 70 इसकी गुणा करनी है तो 0 लग गया, 7 शून्य 42, और 7 शून्य 42 और 4 कितना 46, यानी कितने लोग अशिक्षित हैं 4,620 है, कोई ऑप्शन है बी वाला है ऑप्शन आपका, 4,620 जो है आप लोगों के अशिक्षित हैं, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चनों के लिए आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड ही लगाना पड़ेगा, ऐसे में तो आप देख रहे होंगे कोई इनकी अच्छा पर्सनली वो नहीं है, और ये भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, सारे क्वेश्चन आपने मैंने जो है सिलेक्ट किए हैं बहुत ही अच्छे अच्छे पूछे हुए हैं क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, एक सर्वे में 30% लोगों ने इंग्लिश तथा 75% लोगों के पास मैथ पाया गया, ठीक है, अच्छा कोई लोग ऐसे हों जिसके 30% लोगों ने इंग्लिश और 75% यानी कि 75% लोगों के पास मैथ्स पाया गया, ठीक है, यदि 25% लोगों के पास इंग्लिश और मैथ दोनों, अच्छा दोनों के लिए जो है हमने बताया था आपको यहाँ पे गोला आपको बना लेना है, और जो दोनों वाले हैं वो यहाँ पे लिख देना भाई, दोनों कितना, यानी कि 25% लोगों के पास इंग्लिश और मैथ दोनों हों, अब देखिए इंग्लिश और मैथ दोनों हो, ये हम इंग्लिश का बना लेते हैं और ये हम मैथ का बना लेते हैं, तो इंग्लिश वाले इसमें रहेंगे, मैथ वाले लोग इस वाले गोले में रहेंगे, ये मैथ वाला गोला यहाँ तक है, ठीक है, अच्छा दोनों हैं तो लोगों का वह प्रतिशत जिनके पास इंग्लिश या मैथ या दोनों होगा, ठीक है। तो चलिए तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो देखो यहाँ पे जो है हमें कितना इंग्लिश कितना 30% लोग हैं, तो 25 तो इस वाले में आ गए दोनों में, तो 5 बचे बाद में की जो है, नहीं टोटल 30% करना इंग्लिश वाले गोले में, देखो 30 है 25 और 5 कितना 30, अच्छा मैथ में कितने 75 करने हैं, 75 करना है, तो 25 इधर हो गया, बचा कितना 50% बचा है, नहीं ठीक है। तो अब वो कह रहा है ऐसे लोगों का प्रश्न जिनके पास सब कुछ है, तो भाई सब कुछ तो इन्हीं तीन तीन लोगों के पास है, तो जोड़ लीजिए सबको, 25 और 5 कितना 30 और 5 80%, ऐसे लोग ऐसे इतने 80% लोग हैं जिनके पास इंग्लिश या मैथ या दोनों ही हैं। अच्छा क्वेश्चन में ये पूछता है तो ऑप्शन यही आपके 80% मिल जाएगा बी वाला ऑप्शन, अच्छा क्वेश्चन में यही पूछ देता है कि ऐसे कितने परसेंट है जिनके पास कुछ नहीं है, तो भाई जाहिर सी बात है 80% है जिनके पास सब कुछ है, 20% ऐसे होंगे जिनके पास कुछ भी
नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन हमने उसमें एक लेक्चर में कवर किए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पेड़ हर वर्ष अपनी ऊंचाई के 1/8 के बराबर बढ़ जाता है। ठीक है, यदि आज उसकी ऊंचाई कितनी है, 64 सेंटीमीटर है। देखिए सॉरी, आज जो है उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर। अच्छा, हर वर्ष कितना, 1/8, तो हम देख लेते हैं कितना बढ़ गया, 8 बढ़ गया है। अच्छा, वो कह रहा है तो 2 वर्ष बाद बढ़कर कितना हो जाएगा। आप देखिए, अब 64 में 8 जोड़ दो, कितना हो गया, 72। अब 72 का 1/8 निकालो, 8 ने 72, फिर 9 इसमें जोड़ दीजिए, 72 और 9 कितना, 81। अब उसकी जो है ऊंचाई 2 वर्ष बाद कितनी है, 81 है। जैसे ज़्यादा ही वर्ष आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, तो 1/8 बढ़ता है, तो हम देख लेते हैं परसेंटेज में कितना बढ़ेगा, 12.5% जो है बढ़ता है। अब जैसे प्रेजेंट में आपकी दी गई है 64 में, तो भाई 2 वर्ष के लिए बढ़ा है, तो दोनों वर्ष में 12.5 जो है इसको बढ़ा दीजिए। ठीक है, 12.5 दशमलव बटे 100, अब ये कितनी बार, 2 बार जो है इसको कर लीजिए, ये 2 बार बढ़ गई, इसको सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा ज़्यादा वो हो गया है, नहीं तो आप इसको ऐसे रखिए, कितना सॉरी जो है 4 और ये कितना 25, यानी कि 25/200 में जोड़ दीजिए, बढ़ रहा है, तो कितना 225/ में कितना 200%। अब इसको ऐसे सॉल्व कीजिए, 225%, यानी कि 64 का 225 बटे कितना 200%, तो 25 ने 25, 25 अट्ठे, अब यहाँ पे 2 बार हुआ है, तो यानी कि यहाँ पे फिर 1 9/8 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 8 अट्ठे 64, ये कट गया, बचा क्या, 9 ने 81। हम इसीलिए मना करते हैं ना पॉइंट वालों में, इस तरह से आपको नहीं करना है, क्यों, क्योंकि अब 112 देखो कितना लेंदी लग रहा है ना, आप काटोगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा, है ना। तो ऐसे वाले जो क्वेश्चन में बटे वाले में सीधे 100 में जोड़ दीजिए, है ना, बहुत ही अच्छा रहता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक, ये फालतू का बवाल का, ये देखो आपने एकदम सिंपली आ जाएगा। ठीक है, मतलब 10 वर्ष होता तो ऐसे बढ़ा देते 10 बार, है ना, पावर लगा देते, जो भी होता आराम से हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, गुल्लू ने कुछ कबूतर खरीदे। ठीक है, मान लेते हैं कुछ कबूतर खरीदे होंगे, उनमें से 10% मर गए, ठीक, शेष में से 25% उड़ गए। ठीक, अब 27 कबूतर शेष हैं, गुल्लू ने कितने कबूतर खरीदे। चलिए हम मान लेते हैं भाई एक्स जो है कबूतर खरीदे गुल्लू ने, तो उनमें से 10% मर गए, भाई जो है इसका 10% मर गए, चलो 10% मर गए, तो बचे कितने, 90x/100 बचे, यानी कि 9x/10 कबूतर जो है अभी आपके बचे। अच्छा, शेष में से 25% उड़ गए, अब इसमें से भी 25% उड़ गए, देखो इसका 25% उड़ा दो, तो 25 से कम 25, यानी कि 25%, सॉरी यहाँ पे ये नहीं करना है आपको, शेष कितना बचा है, 9x/10 बचा है, तो 25% उड़ गए हैं, तो बचे कितने, 75% बचे हैं बटे में 100। अब बराबर यहाँ पर अब कितना कबूतर, कितना शेष बचा है, 75 बचा है, सॉरी 27 बचा है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से आपको काट लेना है, 25 तिया 75, 25 चक्कू 100, और 9 तिया 27, ये इधर काट देगा आके, तो x=10.5, 10 चक्कू 40, कितना कबूतर था पहले उसके पास, यक्स था, अब यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 40, तो कहाँ, कौन सा, बी वाला ऑप्शन, कितने कबूतर थे पहले सबसे उसके पास, जो है कितने, 40 कबूतर उसके पास प्रेजेंट टाइम में थे। ठीक है, जिसने उसने 10% मर गए, शेष में से 25% उड़ गया, अगर इसको बैग भी ले जाना चाहो तब भी आ जाएगा। ठीक है, टोटल 27 ही बचेंगे, देख लेना आप चेक करके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, यदि ए का 30% बी के 40% में जोड़ दिया जाए, कर दीजिए भाई जो क्वेश्चन कह रहा है वही कीजिए, 30% जो है ए का 30% बी के 40% में जोड़ दिया जाए, लो हमने भैया जोड़ दिया, 40% जोड़ दिया जाए, तो वह बी का 80% हो जाता है, लो तो ये सब है जो है बी का 80% हो जाता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि ए का कितना 30% बराबर, देखो ये बी का 40% उड़ जाएगा, घट जाएगा, तो बचेगा क्या, बी का 40%, देखो ये परसेंट से परसेंट, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी कि ए बटे बी क्या बचा, इधर ये 4 रहेगा, बी नीचे आ गया, 3 नीचे, यहाँ पे कितना, अब ए की वैल्यू कितनी, 4, बी की 3, अब जो पूछा जाए बता देंगे आराम से। तदनुसार बी का, देखो जिसका कहेगा वो ऊपर, यानी कि बी का ए, देखो बी ए का, अब जिसका कहेगा वो नीचे, ए का कहे तो ए नीचे, 4, कितना परसेंट, तो 100 लगाएंगे तभी तो परसेंट मालूम पड़ेगा, 25 25 25 या 75, कितना परसेंट, 75%, ये आपका ऑप्शन। ठीक है, आई होप ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। ठीक है, जो है इस वाले क्वेश्चन में हमने बताया, ऐसे ही क्वेश्चन जो अच्छे अच्छे मैंने सेलेक्ट किए हैं, ज़्यादा सरल क्वेश्चन नहीं थे, अब अगर आप लोगों को थोड़ा टिपिकल लगे तो
तो आप थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा, हम आप लोगों को एक अच्छे रास्ते पे ले जाने की कोशिश करेंगे। और आप मेरा जो है लेवल जो है एसएससी सीजीएल से ही मैं लेने के चलूँगा, क्योंकि एसएससी सीजीएल के बाद में ऐसी मतलब मेरी समझ में एग्जाम नहीं है कि जो है उससे टफ जो है आपके मैथ में क्वेश्चन आए। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिएगा, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे फेसबुक ग्रुप को भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपके पास मोर अपडेट आती रहेगी जो भी होगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर माई वॉचिंग।